अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। क्षतिग्रस्त हो रही मुख्य नहर, अधिकारियों के ध्यान नहीं देने से खेतों में जमा हो रहा पानी, एक साल से अधिक समय से परेशान हो रहे हैं किसान। ग्राम भोगावा के किसान बार बार फोन लगाने के बाद भी अधिकारी नहीं कर रहे समाधान। क्षेत्र के किसानों को नहरों के माध्यम से लाभ मिलेगा और अपनी फसल को लेकर वह चिंतित रहेंगे। साथ ही हर मौसम में किसानों को पानी उपलब्ध रहने के बाद उसका फायदा उन्हें मिले, इस मंशा की दूरगामी सोच रखने वाले कृष्ण नेता एवं सहकारी पुरुष सुभाष यादव ने पुनासा से लेकर खरगोन जिले में अनेक ग्रामों को जोड़कर नहरों की योजना को शुरू किया था। लेकिन नर्मदा संभाग क्रमांक 32 के लापरवाह अधिकारियों ने अनदेखी के कारण यह नहर भोगावा के किसानों के लिए परेशानी का सबब बनकर खड़ी हुई है। ग्राम में निकलने वाली ओंकारेश्वर मुख्य नहर में विगत एक साल से नहर के क्षतिग्रस्त होने से करीब 500 मीटर अलग अलग स्थानों पर पानी खेतों से अंदर जा रहा है, जिससे कई खेत जलमग्न हो गए। किसानों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि मुख्य नहर से एक वर्ष पूर्व से ही क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद इसकी सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस महत्वपूर्ण समस्या की अनदेखी करते रहे, जिसके बाद नतीजा यह रहा कि अब नहर अनेक जगह से क्षतिग्रस्त होकर धीरे धीरे उसका पानी खेतों में बढ़ रहा है। हालत यह है कि क्षेत्र के करीब 500 से अधिक किसानों के लिए आने वाले समय में समस्या उत्पन्न कर बड़ी समस्या के रूप में खड़ी नजर आ रही है। इस संबंध में विभाग के मोटक्का एवं बड़वा स्थित ऑफिस में भी मौखिक एवं फोन पर चर्चा करने के बाद समस्या के निराकरण की मांग की गई, लेकिन समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। किसानों ने इस नहर की देखरेख करने वाले NVDA के 32 नंबर डिवीजन के अधिकारियों से जल्द इनमें सुधार करने की मांग की है। इस दौरान किसान छितर इंगला, ओम प्रकाश चौधरी, गजानंद बिजबावनिया, दुर्गाराम इंगला, श्री राम मलंगिया, केसरीलाल बिजबावनिया, देवराम खाटरिया, हरि सिंह सोलंकी, त्रिलोक चंद कोटी, शंकर सिंह चौहान सहित अन्य किसान मौजूद थे। सीपेज होने के कारण पानी पूरे गेहूं चने पूरे खराब हो गए। कहाँ से सीपेज हो रहा है ये पानी? नहर से। कौन सी नहर है ये? ओंकारेश्वर नहर। मुख्य नहर है? मुख्य नहर। कौन है अधिकारी इसके? अधिकारी इसमें टंडन। और इसमें इनको अधिकारी टंडन जी को बोला क्या आपने? बोल बोल के थक गए, फोन भी लगा दे, फोन उठाने को तैयार नहीं। ये नहरें टूटी, इस संबंध में शिकायत करी क्या? कई बार शिकायत कर चुके हैं और कई बार हम कलेक्टर को आवेदन भी दे चुके हैं और बड़े बड़े अधिकारियों से, नहर के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। और हमारे गाँव में छोटे छोटे किसान हैं और बहुत रकबा कम है, इसके बाद ये नहर के कारण वो भी हम यूज़ में नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी उससे उत्पादन नहीं पैदा कर पा रहे हैं। कितनी नहर टूटी हुई होगी ये पूरी? कम से कम 400-500 मीटर के करीब टूटी हुई है, दोनों साइड से डैमेज। कितना समय हो गया इसको टूटे हुए? कम से कम 2-3 साल हो गए। कितने किसान होंगे इधर? यहाँ पर इधर किसान है 400-500 किसान है। डिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट सनावत।